कहानी की शुरुआत होती है हेक्टर नाम के एक जादूगर से जो न्यूयॉर्क शहर में अपना नाम बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वो नाचने गाने और पियानो बजाने में भी माहिर था, लेकिन उसे किसी भी थिएटर में काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वो एक जानवर खरीदने गया जिसके साथ वो जादू दिखा सके। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी और उसने अंदर जाकर देखा कि एक नन्हा क्रोकोडाइल अपने पिंजरे में गाना गा रहा था। हेक्टर को वो बहुत पसंद आया और उसने क्रोकोडाइल को खरीद कर उसका नाम लाइल रखा। जब वो लाइल को घर लाया तो वो काफी डरा सहमा था, लेकिन जब हेक्टर ने गाना बजाना शुरू किया तो लाइल ने भी उसके साथ मिलकर बेहतरीन डांस किया। अब हेक्टर को अपना शो दिखाने के लिए एक थिएटर बुक करना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। फिर उसने लाइल के साथ काफी मेहनत की और अपने शो के इश्तेहार पूरे शहर में छपा दिए। आखिरकार शो का दिन आया, लेकिन स्टेज पर जाते ही बेचारा लाइल काफी डर गया और इतने सारे लोगों के सामने वहीं जमा रह गया। हेक्टर का शो बुरी तरह पिट चुका था, इसलिए अब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो लाइल को ऊपर के कमरे में छिपा कर खुद शहर में पैसे कमाने का जरिया ढूंढने लगा। इसके 18 महीने बाद प्रिम्स परिवार उस घर में रहने आया। मिस्टर प्रिम एक टीचर थे। मिसेस प्रिम को हरी सब्जियां खाने का बहुत शौक था, जिस पर उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। उनके बेटे जॉश को शहर की भाग दौड़ से काफी डर लगता था, इसलिए वो यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं था। जब वो तीनों घर के बाहर पहुँचे तो उनकी मुलाकात अपने पड़ोसी मिस्टर ग्रम्प और उनकी बिल्ली लोरेटा से हुई। अपने नाम की तरह ग्रम्प काफी खड़ूस आदमी था और वो बिना बात ही उन्हें कहने लगा कि अगर मोहल्ले के कानूनों के खिलाफ जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। खैर, पड़ोसी के अलावा इस नए घर में आकर प्रिम्स काफी खुश थे। जॉश के पास अपना कमरा था, लेकिन रात को ऊपर के कमरे से आ रही अजीबोगरीब आवाजों ने उसे डरा दिया। वो ऊपर गया और तभी उसे एक कांच के डिब्बे में लाइल दिखा जो मूर्ति बनने का नाटक कर रहा था। जॉश को भी लगा कि लाइल एक नकली क्रोकोडाइल है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके लौट आया। अगली सुबह मिसेस प्रिम उसे अपने साथ न्यूयॉर्क की भीड़ से भरी सड़क से होते हुए ट्रेन में स्कूल लेकर गई ताकि उसका डर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जॉश के स्कूल का पहला दिन काफी बुरा रहा, क्योंकि उसे दोस्त बनाने नहीं आते थे। वो पूरा समय अकेला रहकर घर लौट आया। फिर उसके कमरे की खिड़की पर पड़ोस की बिल्ली लोरेटा आई और उसका रखा सारा दूध पी गई। फिर जॉश उसे अंदर लाकर उसके साथ खेलने लगा। अचानक उसे ऊपर के कमरे से फिर से वो अजीब सी आवाजें सुनाई दी, इसीलिए वो लोरेटा के साथ वहाँ जांच करने पहुंचा। अचानक उन्होंने लाइल को हिलते हुए देख लिया। बिल्ली गुर्रा कर उस पर कूद गई और जैसे ही लाइल ने हैरानी से अपना मुंह खोला तो वो सीधा उसके पेट में जा गिरी। ये देख कर जॉश के तो होश उड़ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी लाइल खिड़की से भाग निकला और जॉश लोरेटा को छुड़ाने के लिए उसका पीछा करने लगा। जॉश को ऊंचाई से काफी डर लगता था, लेकिन इस बार वो अपने डर को हराते हुए नीचे उतर गया। वहीं जब ग्रम्प को इतना शोर सुनाई दिया तो उसे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उधर लाइल का पीछा करते करते जॉश एक सुनसान गली में आ पहुंचा, जहां एक आदमी ने उसे लूटने की कोशिश की। जब लाइल ने जॉश को चोर के साथ देखा तो उसने एक जबरदस्त दहाड़ से उसे डराकर भगा दिया। इसी दहाड़ के साथ वो बिल्ली लोरेटा भी उसके पेट से बाहर आ गई। अब जॉश को वापसी का रास्ता नहीं पता था, इसलिए लाइल उसे वापस घर ले आया। इसके बाद जॉश रास्तों से होता हुआ स्टेशन तक पहुंच गया, क्योंकि अब उसका डर निकल चुका था। वो बिना अपनी माँ की मदद के सीधा स्कूल तक पहुंच गया। स्कूल की लाइब्रेरी में जॉश ने ट्रूडी नाम की एक लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना नर्वस था कि अपनी बात बोल ही नहीं पा रहा था, तो ट्रूडी बिना जवाब दिए चली गई। फिर रात को जॉश एक बार फिर से लोरेटा और लाइल के साथ सड़कों पर घूम रहा था। लाइल के साथ रहकर जॉश ने अपने डर पर काबू पा लिया था और उन्होंने मजे से छत पर बैठकर स्वादिष्ट चीजें खाई। जॉश ने अपनी माँ के सख्त होने की वजह से ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी। फिर उसने बताया कि मिसेस प्रिम असल में उसकी असली माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। जब वो सिर्फ 2 साल का था तो उसकी असली माँ की मौत हो गई थी। ये बात कहकर वो थोड़ा उदास हो गया। लाइल कुछ बोल तो सकता नहीं था, इसलिए उसने गाना गाना शुरू किया और जॉश को भी अपने साथ नचाया। अगली सुबह जब मिसेस प्रिम ऊपर आई तो अपने बेटे को एक भारी भरकम क्रोकोडाइल के साथ देख कर उनके होश उड़ गए। रात को तो ठीक सोया था, सुबह मोगली कैसे बन गया ये? उन्होंने तुरंत जॉश
टॉर्च को उठाया और बाहर भागने लगी, लेकिन लाइल ने थोड़ा गाना गाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिसेस प्रिम तुरंत जॉश को लेकर बाहर आ गई। वो अपने पति को फोन करने लगी, पर आखिरकार जॉश ने उन्हें समझाया कि लाइल ही उसका इकलौता दोस्त है जिसके साथ उसने खुश रहना सीखा है। मिसेस प्रिम के लिए जॉश की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था, इसलिए वो लाइल को रखने के लिए राजी हो गई। इसके बाद जॉश स्कूल चला गया और जब मिसेस प्रिम वापस लौटी तो उसे ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने ऊपर जाकर देखा कि लाइल तो मजे से नहा रहा था, जिससे वो बुरी तरह डर गई और दौड़कर रसोई में आ गई। उसे शांत करने के लिए लाइल ने एक बार फिर से मीठा सा गीत गाया और साथ ही उनके लिए खाना भी बनाने लगा। उसे देखकर मिसेस प्रिम को अपने पुराने दिनों की याद आ गई और जल्द ही वो उसके साथ मिलकर केक बनाने में जुट गई। इसके बाद उन्होंने पेंटिंग भी की और फिर जब वो सोने गई तो वो इतनी खुश थी कि मिस्टर प्रिम को उस पर शक हो गया कि चक्कर चल रहा है इसका कहीं पे, मेरे साथ तो इतनी खुश नहीं हो सकती। जब जॉश स्कूल से लौटा तो लाइल और अपनी माँ को नाचते गाते देख वो भी उनके साथ शामिल हो गया और फिर रात को वो तीनों शहर में सैर सपाटे पर निकल गए। उधर उनके शोर की वजह से उनके पड़ोसी ग्रम्प का शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने अपनी खिड़की के बाहर कैमरे लगवा दिए। एक सुबह जब मिस्टर प्रिम ने अपनी पत्नी को पिज्जा बनाते देखा तो उसने पूछ ही लिया कि क्या उसकी जिंदगी में कोई नया आ गया है। अपने पति का शक दूर करने के लिए मिसेस प्रिम को उसे लाइल के बारे में बताना ही पड़ा। जैसे ही उसने लाइल को देखा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर हेक्टर आ गया। लाइल उसे देखकर काफी गुस्सा हो गया क्योंकि हेक्टर उसे यूं ही लावारिस छोड़कर चला गया था, लेकिन हेक्टर ने जैसे तैसे गाने गाकर उसे मना ही लिया। फिर मिसेस प्रिम ने मकान मालिक को फोन किया तो पता चला कि हेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो साल में 15 दिन अपने घर में रह सकता है। बाद में हेक्टर, जॉश और लाइल मिलकर रात तक गाने बजाते रहे, जिससे मिस्टर प्रिम और ग्रम ढंग से सो नहीं पाए। अगले दिन मिस्टर प्रिम इस सब से परेशान होकर अकेला ही दौड़ने निकल गया। इसके बाद मिसेस प्रिम, जॉश और हेक्टर लाइल को भी अपने साथ शहर घुमाने ले आए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहर की सड़कों पर एक क्रोकोडाइल घूम रहा है। उस दिन उन सब ने खूब मस्ती की और मिस्टर प्रिम ने घर लौटकर देखा तो सब मिलकर खेल रहे थे। वो अब भी एक क्रोकोडाइल का उसके घर में रहना इमेजिन नहीं कर पा रहा था, इसलिए लाइल ने उसका मन बदलने का फैसला किया। वो उसके रेसलिंग के पुराने कपड़े लेकर उसके पास गया और लड़ने को कहा और फिर उसे खुश करने के लिए जानबूझकर हार भी गया। इससे मिस्टर प्रिम में भी जोश आ गया और उसकी लाइल से अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन हेक्टर ने उन सबको जबरदस्त मैजिक शो दिखाया और आखिरकार लाइल को गाना गाने के लिए बुला लिया। लाइल प्रिम्स परिवार को पसंद करता था, इसलिए उसने गाना गा दिया, लेकिन हेक्टर को लगा कि अब तो वो हजारों लोगों के सामने शो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उसने लाइल को तैयार करना शुरू कर दिया। जॉश ने उसे समझाया भी कि इस वक्त लाइल को एक परिवार की जरूरत है, लेकिन हेक्टर नहीं माना और उसे अपने साथ शो के लिए ले गया। कुछ घंटों बाद हेक्टर लौटा तो वही हुआ जिसका जॉश को डर था। लाइल स्टेज पर फिर से डर गया था। खैर, जॉश ने लाइल को गले लगाकर कहा कि वो जैसा भी है बहुत अच्छा है। उधर हेक्टर एक बार फिर से कर्ज चुकाने का जुगाड़ लगाने निकल गया। अगले दिन ग्रम्प ने मोहल्ले की मीटिंग में प्रिम्स परिवार पर इल्जाम लगाया कि वो जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। लाइल की वजह से जो शोर होता था उसे मिस्टर प्रिम झुकला नहीं सका, लेकिन ऐन वक्त पर हेक्टर ने कहा कि अबे तू भी क्या बोल रहा है, बिना परमिशन के कैमरे लगा के सबकी जासूसी करता है ये। अब ग्रम्प का पासा पलट गया था, इसलिए उसने गुस्से में कहा कि वो बदला जरूर लेगा। प्रिम्स परिवार ने हेक्टर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो कुछ ही पलों में रफू चक्कर हो गया। फिर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल वाले लाइल को उनके घर से लेने आ गए, क्योंकि असल में हेक्टर ने ही उनकी खबर देकर पैसे कमाए थे, लेकिन बेचारा लाइल अब भी लोगों के सामने गाना गाने से डरता था। आखिरकार वो उसे पकड़कर चिड़ियाघर ले गए और ये सब ग्रम्प ने भी देख लिया। अगले दिन प्रिम्स लाइल से मिलने गए और जॉश तो उसे छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने समझाया कि लाइल के लिए यही अच्छा है।
ये सुनकर बेचारा जॉश काफी परेशान हो गया, क्योंकि लाइल ही तो उसका इकलौता दोस्त था जिसके साथ रहकर उसमें इतनी हिम्मत आई थी, और तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस रात लाइल अकेला बैठकर गाता रहा, क्योंकि वो बाकी क्रोकोडाइल से घुल मिल नहीं पा रहा था। उधर हेक्टर पैसे लेकर शहर से निकल गया, वहीं दूसरी ओर सब लाइल को बहुत याद कर रहे थे। मिस्टर प्रिम ने अपनी रेसलिंग के कपड़े वापस रख दिए और मिसेस प्रिम ने पेंटिंग करना छोड़ दिया। ग्रम की बिल्ली लोरेटा तक ने खाना पीना छोड़ दिया और अपना जॉश बेचारा रोता हुआ लाइल के बेड पर ही सो गया। फिर शाम को जॉश ने देखा कि हेक्टर उससे मिलने आया था। वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा था और उसने जॉश से माफी भी मांगी, लेकिन जॉश उसे नजरअंदाज करके घर में चला गया। खैर अब हेक्टर अकेला ही चिड़ियाघर में पहुंच गया, जहां उसने सलाखों से अपने हाथ में हथकड़ी लगा दी। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो हेक्टर ने बड़ी चालाकी से वो हथकड़ी उसके हाथों में ट्रांसफर कर दी। अब वो चाबियां चुरा कर सीधा क्रोकोडाइल्स के पिंजरे पर पहुंचा, लेकिन लाइल ने गुस्से में उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बाकी के खूंखार क्रोकोडाइल्स उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त जॉश भी वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने कहा कि वो हेक्टर की मदद तभी करेगा जब वो अपनी गलतियां सुधारेगा। फिर हेक्टर ने लाइल से दिल से माफी मांगी और कहा कि अब से वो अपने असली परिवार यानी प्रिंस के साथ रह सकता है। ये सुनते ही लाइल उनके साथ भागने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और पुलिस बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। हेक्टर ने कहा कि वो बाइक पर भाग सकते हैं, लेकिन जॉश कहने लगा कि कब तक लाइल ऐसे छिपकर जीता रहेगा, उसे अपनी असलियत दुनिया के सामने लानी ही चाहिए। तभी उसे अपने स्कूल के डांस शो वाली बस दिखाई दी और वो समझ गया कि अब यही एक रास्ता है। फिर हेक्टर ने जादू से पुलिस का ध्यान भटकाया और जॉश लाइल के साथ बाइक पर भाग निकला। वो शो पर पहुंचे, लेकिन लाइल को देखकर ट्रूडी भी डर गया। फिर जॉश ने उसे सब समझाया और आखिरकार ट्रूडी उन्हें अपनी जगह स्टेज पर भेजने के लिए मान गई। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर पहुंचे तो सभी लोग एक असली क्रोकोडाइल को देखकर घबरा गए। उन्हें देखकर लाइल भी डर गया और अब पुलिस भी उन्हें पकड़ने आ चुकी थी। उसी वक्त जॉश ने गाना शुरू कर दिया और उसे देखकर आखिरकार लाइल ने भी अपने डर को हराया और हजारों लोगों के सामने गाने लगा। उसका गाना देखकर सब दीवाने हो गए और आखिरकार पुलिस भी पीछे हट गई। एक महीने बाद प्रिंस कोर्ट में थे, क्योंकि उनके पड़ोसी ने क्रोकोडाइल को घर में रखने के लिए उन पर केस कर दिया था। जज को भी ग्रम की बात सही लगी, लेकिन इससे पहले कि वो फैसला सुनाता, हेक्टर एक बड़ी खबर लेकर वहां आ पहुंचा। असल में उसे लोरेटा की मदद से घर के असली कागज मिल गए थे जो ग्रम ने उससे चुराए थे। उन कागजों से पता चला कि हेक्टर की दादी ने न्यूयॉर्क चिड़ियाघर बनाया था, इसलिए सरकार ने उन्हें घर पर एक जानवर रखने की छूट दी थी। आखिरकार जज ने प्रिंस के हक में फैसला सुनाया और सभी खुशी से नाचने लगे। फिर प्रिंस लाइल के साथ घूमने निकल गए, लेकिन हेक्टर उदास था क्योंकि उसने लाइल के साथ शो बुक कर लिए थे। लेकिन तभी ट्रूडी उसके लिए एक तोहफा लेकर आई, जो कि एक सांप था जो बहुत जबरदस्त बीट बॉक्सिंग करता था।